हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस टाइम दौरे पड़े हुए हैं उनको कि आईपीएल जो डब्ल्यूपीएल कल था उसके फाइनल को 10 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन देख रहे थे, मतलब जियो सिनेमा के ऊपर 10 करोड़ लोग देख रहा था उसको। पाकिस्तानी मीडिया हिल गया कि भाई ऐसी भी वॉच होती है। पाकिस्तान में मैच हो ना अगर वुमेन्स का, कहते हैं क्या लड़कियों का मैच देखेंगे, छोड़ो मारो गोला अपना देखेंगे। लड़कों का इधर लड़कों का नहीं देख रहे, वो बोलेंगे लड़कियों का क्या देखे। हाँ भाई, और भारत में ये क्रेज है, इसको कहते हैं क्रिकेट लवर देश। ये देखो भाई, 10 करोड़ वॉचिंग मिल रही है। तो देखते हैं क्या हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, सारा कुछ देखेंगे। कानून करते हैं। अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो हो रही है, जैसे आईपीएल होती है ऐसी वुमेन्स की होती है, उन्होंने टाइटल जीत लिया भाई, बड़ी बात। कुछ काम ऐसे कर जाती है जो मर्द भी नहीं कर पा रहे। रनर आपको, दिया गया है इंडियन 3 करोड़ रुपीज। रनर आपको कितना दिया गया? इंडिया 3 करोड़ रुपीज। और पाकिस्तान के कितने बनते? 10 करोड़ 11,53,231 रुपए। अबे इतने पैसे होते हैं? इतने पैसे होते हैं 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो रनर आपको दिए गए डब्ल्यूबीएल में? इतना पैसा होता है? सीधा मैं ओपनली कहता हूँ, अगर आपके पास, अगर आपने क्रिकेट को ऐसी तबाह करना था या आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए थे आईसीसी, इस बार पीएसएल तबाह कर देते तो ताकि बात आसान हो जाती। बात आसान हो जाती कि आईसीसी को सिर्फ पैसे से मतलब है, टीवी राइट से मतलब है, स्पॉन्सरशिप से मतलब है। 8 करोड़ प्लस लोगों ने डब्ल्यूपीएल का फाइनल जियो सिनेमा पे देखा है। 8 करोड़ लोगों ने यार, पाकिस्तान की 30 करोड़ की आबादी है, समझो एक तिहाई पाकिस्तानी आवाम के हिसाब से कैलकुलेशन लगा दो यार। एक साइड हमारा पीएसएल है जहां पर जो है वो आप टीवी पे छोड़े, किसी एप्लीकेशन पे छोड़े, लाइव स्टेडियम में अगर देखा जाए ना, 4 करोड़ की आबादी है कराची की, और वहां से 2000 लोग जा स्टेडियम में जाके मैच नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिकर ये है पीएसएल के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरें, भरे छोड़े आधा कैसे कर लें। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। यहाँ पे आके आईसीसी ने बेड़ा गर्क कर दिया और 10 लीगें स्टार्ट करवा दी। 10 लीग की इजाजत दी क्यों आपने? इसलिए इजाजत दी ना कि पैसे बनते जाए और इंडिया के सामने आपकी आवाज टाइट हो जाती है आपकी। विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की जीडीपी उठा के जो है हमारे पाकिस्तान की है, ये पूरी जीडीपी उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। और इधर पीएसएल का आज फाइनल है, कोई फ्री में भी टिकट लेने को तैयार नहीं है। कराची की आवाम कहती है हमें उधर कराची के पिंजरे में आके मैच नहीं देखने। नमस्कार दोस्तों, जय दोस्तों। कल WPL की फाइनल ने रिकॉर्ड बनाया है और एक साथ 9 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा में उसको लाइव देखा है। तो इसको देखकर पूरी दुनिया हैरान थी कि भाई WPL की इतना हाइप है कि लोगों तो मतलब स्टेडियम में भरे हैं ही। 30,000 वाले अरुण जेटली स्टेडियम में पूरा फुल पैक्ड कल स्टेडियम था और ऐसा लग रहा था कि भाई सभी आरसीबी के मतलब जीत के लिए वेट कर रहे थे और ऐसा हुआ भी। लेकिन इसके बाद जो रिएक्शन था लोगों का कि भाई जो 9 करोड़ लोगों ने लाइव देखा तो बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है डब्ल्यूपीएल के लिए, क्योंकि वुमेन लीग को इतना ज्यादा लाइव मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इससे अगर पीएसएल की कंपैरिजन करते तो वो कहीं का नहीं आता, मतलब 50,000 भी उसके लाइव काउंट नहीं आते और 2,000 बंदे भी ग्राउंड में बैठने नहीं चाहते। और कल तो फाइनल, मतलब आज फाइनल है और पीसीबी को डर लग रहा है कि भाई आज कहीं स्टेडियम खाली ना पड़ जाए। तो इसको लेकर शोएब अख्तर और पूरी पाकिस्तान मीडिया चिढ़ा हुआ है कि डब्ल्यूपीएल देख लो, आईपीएल पीएसएल देखने की क्या जरूरत है। चलिए वीडियो देखते हैं, मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। ये रनर आपको दिया गया है इंडियन 3 करोड़ रुपीस। रनर आपको कितना दिया गया? इंडिया 3 करोड़ रुपीस। और पाकिस्तान के कितने बनते? 10 करोड़ 11,53,231 रुपए। अबे इतने पैसे होते हैं? इतने पैसे होते हैं 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो रनर आपको दिए गए डब्ल्यूपीएल में। और पीएसएल के विनर को कितने दिए जाते हैं आपको पता है? पीएसएल के विनर को दिए जाते हैं 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, जो कि इंडिया के करीब मेरे ख्याल से कोई 2-2.5 करोड़ बनते होंगे यार। अबे इतना बेइज्जती, ये तुम लोगों ने पाकिस्तान को सीधा सीधा नीचे दिखाने के लिए किया है। अच्छा, और विनर को कितने दिए गए उसके बारे में बताओ तो भाई? 6 करोड़। विनर को 6 करोड़ दिए गए हैं भाई। ये 6 करोड़ आपने पाकिस्तान की जीडीपी उठा के जो है हमारे पाकिस्तान की है, ये पूरी जीडीपी उठा के आपने एक चैंपियन टीम को दे दी भाई। क्या करेंगे अगर ये जो 6 करोड़ रुपए अगर आप ये हमको डोनेट कर दे भाई, हम तो कर्जा उतार लेंगे अपना सीरियसली। क्योंकि 6 करोड़ पाकिस्तानी कितने बनते हैं अगर मैं आपको बताऊं? 20 करोड़ पाकिस्तान के बनते हैं ये 20,23,06,462 रुपए। 20,23,06,462 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं भाई। इतना पैसा तुम लोग लाते कहां से हो? ये विनर टीम को दिया पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपए मिले हैं इस विनर टीम को, आरसीबी को। ये सीधा सीधा जो है मजाक है पाकिस्तान टीम के साथ, क्योंकि भाई पाकिस्तान में जो पीएसएल होती है, जो विनर टीम होती है, उसको 8 करोड़ दिए जाते हैं और जो रनर अप होती है उसको 3,20,00,000 रुपए दिए जाते हैं। और 3,20,00,000 रुपए इंडिया का करीब बनता है मेरे ख्याल से कोई 90 लाख रुपीस।
इंडिया का 90 लाख रुपीस जो है वो रनर अप को दिया जाता है पीएसएल के अंदर। और अब भी जो लोग कहते हैं कि पीएसएल बड़ी जबरदस्त लीग है, आउटस्टैंडिंग लीग है, अबे घंटे के लीग है, मतलब तुम खुद सोचो इतनी सस्ती, अबे इतनी सस्ती लीग है यार हमारी, हम बार बार अपने आपको कंपेयर, हमारी तो ये वुमेन्स प्रीमियर लीग वालों ने हमारे जो है पीएसएल के ऊपर जूता मार दिया, क्योंकि पीएसएल की इतनी बेइज्जती हुई है भाई, इतनी बेइज्जती हुई पीएसएल की, खुद सोचो ये कैसे हुआ है, हाउ इज दिस पॉसिबल। पीएसएल की विनिंग प्राइस को अगर आप देखते हो तो वो होती है 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जो कि इंडिया के करीब बनते हैं मेरे ख्याल से कोई 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ नहीं 3.5 भी, अबे 3.5 2.5 करोड़ रुपए इंडिया के बनते हैं। और अगर आप बात करते हो रनर अप की पीएसएल की, तो भाई इंडिया के 90 लाख रुपीज लानत है, तो बेशर्मी गिनता है। अब भी लोग कहेंगे कि भाई पीएसएल बड़ी जबरदस्त लीग है, बड़ी आउटस्टैंडिंग लीग, भाई ये देखो हाथ जोड़ के कहता हूं पीएसएल को नंबर वन बोलना शुरू कर दो, हमारी औकात जो है वो हमें पता चल चुकी है कि हमारी औकात क्या है, हम जो है सिर्फ बातें करने के लिए रह गए। जब विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर करोड़ देखे, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत करोड़ आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपोर्टेंट मैच के लिए करोड़ नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को परेशानी ये है कि पीएसएल का फाइनल है जहां पर मोहम्मद रिजवान होंगे, शादाब खान होंगे, नसीम शाह होंगे, उसामा अमीर होंगे, ये वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, कुछ ओवरसीज क्रिकेटर खेल रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिक्र ये है पीएसएल के फाइनल में कि यार स्टेडियम कैसे भरें, भरे छोड़े आधा कैसे करने। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी और कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। खत्म ये है फर्क एक क्रिकेट लवर देश में और एक मतलब जो जान बोझ के लवर बने हुए उस देश में। सीरियसली बात है, हमारे इधर लोग देखने नहीं जा रहे लाइव, तो भाई देखने कोई नहीं जा रहा लाइव, जो देख रहे हैं 50-60 हजार लोग देख रहे हैं भाई। फिर ऐसे पीएसएल सबसे तारीख का आज तक का ये घटिया पीएसएल हुआ है। लड़कियों को लड़कियों को जो रनर्स अप पे 10 करोड़ दिए जा रहे हैं, जो विनर है उसको 20 करोड़ दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी की बात हो रही है, पाकिस्तानी पैसों की बात कर रहा हूँ। और जो पाकिस्तानी लड़कों का हमारा पीएसएल है, आईपीएल की उधर सॉरी बात कर रहा था पीएसएल है, पाकिस्तानी जो पीएसएल है उसमें जो फाइनल है उसको दिए जा रहे 8 करोड़ 8 करोड़ 3 करोड़ तो दो, 4 तो दो। हाँ। भाई उन लोगों ने देखो आधा आधा किया हुआ है, रनर अप्स को आधा मिल रहा है, इनको 90 लाख रुपए इंडियन दे रहे हैं भाई, 90 लाख रुपए भाई, मतलब हद है यार, मैं सच बता रहा हूँ। और लोग देखो 9 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ उनको जियो सिनेमा जियो पे देखा उसको जो ऐप है, ठीक है, और उसके बाद टीवी पे किसने कितना देखा होगा और काफी चीजों पे किसने कितना देखा होगा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, पाकिस्तान में हमने देखा है जिस तरीके से वो छोड़ दो, पूरी दुनिया में कितने लोगों ने देखा होगा वो छोड़ दो, जियो सिनेमा पे कितने लोग थे तो आगे सोचो, मतलब टीवियों पे सबको मिला के पूरे भारत ने एक चीज देखी है। और सारी बात छोड़ो, हमारे पास प्ले ऑफ मैचेस चल रहे हैं और 1000 बंदा भी नहीं है, 1000 यार शर्म का, हमारे टीवियों पे फाइनल ऊपर से मैनेजमेंट की देखो सी किस्म की मैनेजमेंट है, कराची में रख दिया भाई फाइनल। यार मैं आपको सच बताऊं, हमारी कुछ मैनेजमेंट की गलतियां और कुछ हमारी आवाम का दिल ऐसा टूट गया ना, सच बताऊं वो देखते ही कुछ वो देखते ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारी चीजों से दिल लुट गया। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार